इस मंज़र की बात करूं या उस मंज़र की बात करूं मैं, हर मंज़र के 100 मंज़र हैं, किस मंज़र की बात करूं मैं। तो ये चीज़ मेरे अजीज़, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोर घाटों में और ये हमारी मंजिल, और यहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टॉप करते हैं और फिर अब वापस पलटते हैं कराबोश दास की तरफ। यहाँ तक हमारा आने का मकसद था ताकि हम ये खूबसूरत मनाजिर जो है वो आपको दिखा पाएँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं पानी का जो ठहराव है, कितना पुरसकून मंज़र पेश कर रहा है। और यकीन मानिए जब यहाँ आते हैं आप कोर घाटों में तो आपको एक अलग तरह का जो है वो सुकून मैसर आता है। सीधी चट्टान है, फिर चट्टान के साथ में रुका हुआ पानी एक समंदर किसी शक्ल अख्तियार कर गया है, और साथ में एक फूलों की सरसब्ज शादाब और रंग बिरंगी कालीन यहाँ पर बिछाई गई है फितरत कुदरत की तरफ से, और जो इस पूरे मंज़र को मज़ीद पुर रौनक बना देती हैं। तो आप कहीं जाएं या ना जाएं, गुलतरी ज़रूर आएँ। गुलतरी एक ऐसा इलाका है जो अभी तक नज़रों से ओझल है। मैं महकमे सियाहत से फिर कहूँगा किस इलाके की तरफ तवज्जो दें। सियाहत का फ़रोग अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में देना है तो गिलगित बल्तिस्तान का ये खूबसूरत इलाका किसी भी तरीके से जो है पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इलाका बहुत पुरकशिश है। और यकीन जानिए कि अगर एक बार इस इलाके में कोई आए सियाहत, कोई सयाह यहाँ आए तो वो बारह आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मनाजिर ऐसे खूबसूरत हैं कि एक ही साथ पूरे मनाजिर को नहीं देख पाते हैं। बस आप जिस मंज़र की तरफ देखते हैं नज़रें रुक जाती हैं, अगला मंज़र आपसे मिस हो जाता है। तो बस आप एक कशमकश की सी सूरत हाल में रह जाते हो कि किस मंज़र को देखूं, किस मंज़र को ना देखूं। एक मेरा शेर है कि इस मंज़र की बात करूं या उस मंज़र की बात करूं मैं, हर मंज़र के 100 मंज़र हैं, किस मंज़र की बात करूं मैं। तो बस बंदा कन्फ्यूजन का शिकार रह जाता है कि कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। तो यहाँ हमारी मंजिल का अख्ताम यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और हमें ऊपर चाय के लिए मदऊ किया गया है पहले इलाका ने, तो हम जाते हैं वहाँ चाय हमें पेश की जाएगी, और बहुत भूख लगी है हमें काफ़ी, और हमारा पेट्रोल बाइक भी जो है वो काफ़ी हमसे डिमांड कर रहा है कि अब मुझे भूख लगी है, तो उसका भी हम खाने का इंतज़ाम करते हैं, अपने भी शिकम का इंतज़ाम करते हैं, और वहीं पर जाके उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे अपने मेज़बान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। इजाज़त, अल्लाह निगहबान।